नमस्कार, गुरजीत वालिया पलिया चैनल में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो आज हम देखेंगे गोल्डन फ्लावर सीनियर सेकेंडरी स्कूल के अंदर एनसीसी कैडेट की भर्ती। तो एनसीसी कैडेट की भर्ती के लिए गोल्डन फ्लावर सीनियर सेकेंडरी स्कूल के बच्चों ने भाग लिया, जिसके अंदर गर्ल्स और बॉयज सब लोग आए। आइए देखते हैं एनसीसी कैडेट की भर्ती की ये वीडियो। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आप यहाँ पर किस लिए आ रखे हो। क्लियर है? और कृपया करके कोऑपरेट करिए और डिसिप्लिन को मेंटेन करके रखिए। अभी आपको कुछ पॉइंट बताए जाएंगे, ब्रीफ किया जाएगा, उसके अनुसार आपने जो अगले 10 मिनट बाद जो आपकी फिजिकल एक्टिविटी होगी, हर एक को पता होना चाहिए कि जेडी के लिए रनिंग का टाइम कितना है और कितना इसका पैरामीटर है, कितने चक्कर आपने मारने हैं, किसी को कंफ्यूज ना हो। तो इसलिए जो मैं बता रहा हूँ उस चीज को गौर करिए। ओके, अभी जो रनिंग का टाइम है जेडी के लिए 800 मीटर, यानी कि जो आपके सामने ये कोन लगा रखे हैं, स्टार्टिंग पॉइंट मेरे लेफ्ट साइड इधर से होगा और आपने इसके 4 चक्कर काटने हैं। क्लियर है? जेडी और जेडब्ल्यू के लिए 400 मीटर, यानी कि जेडब्ल्यू कितने चक्कर मारेगी? 2 चक्कर। अगर आप 1 मिनट 30 सेकंड में 2 चक्कर को कवर करते हो तो आप एक्सलेंट में माने जाओगे। उसी प्रकार जेडी, अगर आपने 3 मिनट के अंदर 4 चक्कर कवर करते हो तो आप एक्सीलेंट के खाने में आओगे। क्लियर है? ओके, उसी प्रकार से गुड़का, आप अगर 800 मीटर 3 मिनट 15 सेकंड, यानी कि 3 मिनट 15 सेकंड में कवर करते हो तो आप गुड़ में आओगे। और वही जेडब्ल्यू के लिए 400 मीटर, यानी कि 2 चक्कर ग्राउंड के 1 मिनट 40 सेकंड में, तो आप गुड़ की कैटेगरी में आओगे। सेटिस्फैक्ट्री के लिए जेडी 3 मिनट एंड 30 सेकंड, यानी कि +15 सेकंड उसमें प्लस हो जाएगा गुड कैटेगरी से सेट में जाने के लिए। पुशअप एक्सलेंट, 15 पुशअप गुड, 10 और सेट 5 ओनली जेडी के लिए। और सिटअप 15 एक्सलेंट 10 गुड और सेटिस्फैक्ट्री 5। जो मैंने अभी तक आपको फिजिकल एफिशिएंसी बता दी, इसमें किसी भी कैडेट्स को कंफ्यूजन या कोई इसमें ऐसा है जो मेंटली फिट हो, फिजिकली फिट नहीं है कि खाली यहां पर ग्राउंड में स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए आ गया, अभी भी हैंड्स अप कर सकता है ताकि हम उस पर फालतू वेस्ट ना करें टाइम, और जो इसके लिए कैपेबल है उसी को ग्राउंड में एंट्रेंस करने दे। इधर सारे फिट हो? जेडी जेडी सारे जेडब्ल्यू ओके, तो इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना है और थोड़ा अपनी फिजिकल एफिशिएंसी हमको दिखानी है, उसी के आधार पर, उसी के बेस पर आपका यहां पर सिलेक्शन होगा। क्लियर है? ओके बेटा, आप आर लाइन से इधर आओ। अगर आप एक पेट्रियोटिक सिटीजन बनना चाहते हैं जो अपनी कंट्री के लिए कुछ बेहतर करने में कंट्रीब्यूशन देने का इरादा रखता हो और साथ ही खुद के लिए एक डिसिप्लिन्ड और वेल डेवलप्ड पर्सनालिटी भी चाहते हो, इसके साथ साथ अगर आप हायर एजुकेशन में रिजर्वेशन और डिफेंस एग्जाम्स में बोनस मार्क्स भी पाना चाहते हो तो आप एनसीसी कोर्स कर सकते हैं, जो आपको एक प्रोग्रेसिव लाइफ तो देगा ही साथ अपने देश के लिए ड्यूटीफुल होने का फील भी आपको बहुत सेटिस्फेक्शन देगा। और अगर आप मिलिट्री सर्विस तक अप्रोच बनाने के लिए स्कूल लेवल से ही तैयारी करना चाहते हैं तो भी आप एनसीसी कैडेट बन सकते हैं, और एनसीसी कैडेट बनने से जुड़ी सारी जरूरी जानकारियां आप तक पहुंच सके, इसी पर्पस से हमने आज का ये वीडियो बनाया है। इसीलिए आप इसे पूरा जरूर देखें ताकि आपको एनसीसी कोर्स क्या है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, इसके बेनिफिट्स और इसमें एडमिशन लेने का प्रोसेस जैसी सभी जरूरी इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि एनसीसी कोर्स क्या है। एनसीसी यानी नेशनल कैडेट कॉर्प्स, जो अपने देश के यूथ को एम्पावर करने की दिशा में काम करते हैं। एनसीसी 16 अप्रैल 1948 को एस्टेब्लिश हुई। एनसीसी का मोटो है यूनिटी एंड डिसिप्लिन।
ऐसे स्टूडेंट्स जो डिफेंस में अपना करियर बनाना चाहते हैं उनके लिए एनसीसी बहुत ही बेनिफिशियल साबित होता है, क्योंकि ये डायरेक्टली मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से एसोसिएट है। ये कोर्स देश के यूथ को सही डायरेक्शन में ऐसी बहुत सी प्रोडक्टिव एक्टिविटीज करने के लिए एनकरेज करता है, जिससे उनकी एनर्जी सही डायरेक्शन में लगे। इस कोर्स को करने के बाद कैंडिडेट्स को मिलिट्री ट्रेनिंग करने का मौका भी मिलता है और उनको मिलने वाले करियर ऑप्शंस भी एक नॉर्मल कैंडिडेट से काफी बेहतर हुआ करते हैं। गर्ल्स और बॉयज दोनों ही स्टूडेंट्स एनसीसी ज्वाइन कर सकते हैं। एनसीसी कैडेट्स को मिलने वाली ट्रेनिंग उनमें स्ट्रेंथ डेवलप करती है और उन्हें फोर्सेस ज्वाइन करने के लिए एनकरेज भी करती है, ताकि जब देश को उनकी जरूरत पड़े तो कैडेट्स अपना 100% कंट्रीब्यूट कर सके। ट्रेनिंग के दौरान एनसीसी कैडेट्स को बेसिक डिफेंस ट्रेनिंग दी जाती है, जिसका पर्पस यंग स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट तीनों फोर्सेस यानी कि आर्मी, नेवी और एयर फोर्स में डेवलप करना होता है। एनसीसी के जरिए कैंडिडेट्स को वो प्लेटफॉर्म भी मिल जाता है जहां वो इंडियन डिफेंस सर्विस को ज्वाइन करने की अपनी एबिलिटी चेक कर सके, और इस एनसीसी सर्टिफिकेट का थोड़ा बेनिफिट कैडेट्स को आर्मी ज्वाइन करते टाइम भी मिल जाता है। एनसीसी कोर्स जूनियर और सीनियर विंग्स में अवेलेबल होता है। क्लास 8 और 9 के स्टूडेंट्स जूनियर विंग्स में एनसीसी ज्वाइन कर सकते हैं, और 10th क्लास पास कर चुके स्टूडेंट्स और कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स सीनियर विंग ज्वाइन कर सकते हैं। आइए अब एनसीसी कोर्स करने के लिए क्राइटेरिया भी जान लेते हैं। एनसीसी के लिए अप्लाई करने वाले कैंडिडेट का इंडियन सिटीजन होना जरूरी है, और कैंडिडेट का अपने स्कूल या कॉलेज के मेडिकल स्टैंडर्ड से मैच करना भी जरूरी है। इसके बाद फिजिकल एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जाएगा, जिसे क्लियर करने के बाद ही कैंडिडेट को एनसीसी कोर्स के लिए एलिजिबल माना जाएगा। मेडिकल और फिजिकल एग्जामिनेशन के बाद रिटन टेस्ट और इंटरव्यू होगा, जिसमें पास होने वाले कैंडिडेट्स ही एनसीसी कैडेट के तौर पर एडमिशन ले सकेंगे। स्कूल और कॉलेज के रेगुलर स्टूडेंट्स वॉलंटरी बेसिस पर एनसीसी ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन एनसीसी के जूनियर डिवीजन को ज्वाइन करने के लिए एज 12 से 18.5 साल होती है, जबकि सीनियर डिवीजन या विंग के लिए ये एज लिमिट 26 साल तक होती है। अगर आप गवर्नमेंट स्कूल या कॉलेज में एनसीसी ज्वाइन करेंगे तो आपको कोई फीस नहीं देनी होगी, हालांकि एनसीसी यूनिफॉर्म, बेल्ट, शूज जैसी कई सारी चीजों के लिए पे करना होगा। और हो सकता है कि आपके प्राइवेट स्कूल और कॉलेजेस एनुअल ट्रेनिंग कैंप जैसी एक्टिविटीज के लिए आपसे कुछ चार्ज भी ले। इस कोर्स की ड्यूरेशन 5 साल होती है, और इसमें 3 टाइप्स के सर्टिफिकेट शामिल होते हैं, सर्टिफिकेट ए, बी और सी। सर्टिफिकेट ए के लिए 2 साल का टाइम लगता है, 2 साल बी सर्टिफिकेट लेने के लिए रिक्वायर्ड होता है, और सी सर्टिफिकेट के लिए 1 साल होता है। ए सर्टिफिकेट गवर्नमेंट जॉब्स में उतना बेनिफिशियल तो नहीं हो पाता है जितना सर्टिफिकेट बी और सी होते हैं, लेकिन ए सर्टिफिकेट वाले कैंडिडेट को इंडियन आर्मी के विंग्स के टेस्ट में मार्क्स का थोड़ा बेनिफिट जरूर हो जाता है। इसके लिए आपका एक ट्रेनिंग कैंप ज्वाइन किया होना भी जरूरी होता है। बी सर्टिफिकेट ऐसे कैंडिडेट्स के लिए बेनिफिशियल साबित होता है जो इंडियन आर्मी को जवान के तौर पर ज्वाइन करना चाहते हैं, और इस सर्टिफिकेट को लेने के बाद ही सी सर्टिफिकेट लिया जा सकता है। बी सर्टिफिकेट होल्डर्स को टेली कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट और कुछ दूसरे पब्लिक सेक्टर्स में जॉब के दौरान कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स मिल जाते हैं। इसके लिए भी आपका एक ट्रेनिंग कैंप ज्वाइन करना जरूरी होता है, और ट्रेनिंग में आपकी 75% अटेंडेंस भी होनी चाहिए। वहीं सी सर्टिफिकेट एनसीसी ट्रेनिंग का मोस्ट इम्पॉर्टेंट सर्टिफिकेट होता है, क्योंकि आर्म्ड फोर्सेस के सिलेक्शन प्रोसीजर में सी सर्टिफिकेट होल्डर को एडवांटेज मिलता है, और इसके लिए आपकी अटेंडेंस 75% होनी जरूरी है, और आपको मिनिमम 2 नेशनल ट्रेनिंग कैंप्स ज्वाइन करने होंगे। एनसीसी कोर्स में शामिल सब्जेक्ट्स और कॉन्सेप्ट्स ये होते हैं: नेशनल इंटीग्रेशन एंड अवेयरनेस, सिविल अफेयर्स, ड्रिल, वेपन ट्रेनिंग, एडवेंचर ट्रेनिंग एंड ऑब्स्टिकल, हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड डिफेंस, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एंड लीडरशिप, रोल ऑफ एनसीसी ड्यूरिंग नेशनल हजार्ड्स, सिविल डिफेंस ऑर्गेनाइजेशंस एंड देयर ड्यूटीज, एनवायरमेंट अवेयरनेस एंड कंजर्वेशन, फील्ड क्राफ्ट एंड यूज ऑफ टेक्निक्स, फ्रीडम स्ट्रगल एंड द नेशनलिस्ट मूवमेंट इन इंडिया, सोशल अवेयरनेस एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट, ट्रैफिक कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन एंड एंटी ड्रंक ड्राइविंग। तो इसी के साथ कुछ ऐसे कॉलेजेस का नाम जान लेना भी बेहतर रहेगा जो एनसीसी कोर्स ऑफर करते हैं। तो ऐसे कुछ बेहतरीन कॉलेजेस के नाम हैं: महात्मा गांधी कॉलेज वेस्ट बंगाल, गुरु नानक खालसा कॉलेज हरियाणा, फर्ग्यूसन कॉलेज पुणे, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दिल्ली, जामिया मिलिया इस्लामिया दिल्ली, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी हरियाणा, यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ उत्तर प्रदेश, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी पंजाब और हंस राज कॉलेज न्यू दिल्ली। वैसे आपको ये भी पता होना चाहिए कि एनसीसी की जूनियर और सीनियर विंग ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना होगा।
मतलब ये कि एनसीसी की जूनियर विंग को ज्वाइन करने के लिए आपको यानी स्टूडेंट को अपने स्कूल के प्रिंसिपल से कॉन्टेक्ट करना होगा और आपके इंटरेस्ट के बारे में बताना होगा, ताकि आपके स्कूल के एनसीसी में आपको रिक्वायर्ड कंडीशंस मैच होने के बाद एडमिशन मिल जाए। लेकिन अगर आपके स्कूल में एनसीसी कोर्स अवेलेबल नहीं है तो आप अपने स्कूल के पास स्थित एनसीसी यूनिट के कमांडिंग ऑफिसर से कांटेक्ट करें। इस विंग में ट्रेनिंग का एनरोलमेंट पीरियड 2 साल का होता है। सीनियर विंग को ज्वाइन करने के लिए आपकी एज 26 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए और इस ट्रेनिंग का एनरोलमेंट पीरियड 3 साल का होता है। इस विंग को ज्वाइन करने के लिए भी आपको अपने स्कूल या कॉलेज के प्रिंसिपल से कांटेक्ट करना होगा और अगर आपके स्कूल या कॉलेज में एनसीसी ट्रेनिंग यूनिट नहीं है तो नियरेस्ट एनसीसी यूनिट के कमांडिंग ऑफिसर से कांटेक्ट करके आप सीनियर विंग ज्वाइन कर सकते हैं। एनसीसी कोर्स कंप्लीट कर लेने के बाद कैंडिडेट डिफेंस में ऑफिसर्स एंट्री के लिए डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा कैंडिडेट को बैंक पीओ एग्जाम, सिविल सर्विस एग्जाम जैसे बहुत से गवर्नमेंट जॉब रिलेटेड एग्जाम्स में रिलैक्सेशन मिलता है और पुलिस सर्विस, इंडियन आर्मी, जीडी ब्रांच और गवर्नमेंट होमगार्ड सर्विसेज जैसी सर्विसेज के लिए अप्लाई किया जा सकता है। इसके अलावा कैंडिडेट शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर, सोल्जर ट्रेड्समैन, सुपरवाइजर, सोल्जर क्लर्क, सिक्योरिटी सर्विसेज ऑपरेशंस, बैंक ऑफिसर असिस्टेंट और असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर जैसी जॉब्स में भी अपने लिए बेस्ट चूज कर सकते हैं। एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर कैंडिडेट को ऑफर की जाने वाली एवरेज सैलरी की बात करें तो ये सैलरी शुरुआत में 10 से 20 हजार रुपए होगी, जबकि 4 से 10 साल का एक्सपीरियंस रखने वाले एनसीसी ऑफिसर 3 से 5 लाख पर एनम कमा सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से इस वीडियो की हेल्प लेकर आप एनसीसी के बारे में अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर पाए होंगे और इससे मिलने वाले एडवांटेजेस और इसकी इम्पोर्टेंस को भी अच्छे से समझ गए होंगे। तो ये जानकारी और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। आगे कोई ऐसा ही सवाल है तो हमें जरूर बताइए, हम कोशिश करेंगे जल्द से जल्द उस पर वीडियो लाने की। जितने लोगों ने आज हमें ज्वाइन किया है, आप सभी का स्वागत है।